हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में एक के बाद एक खुलासे यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पे देखिए आया है, नकल में शामिल 280 अभ्यर्थियों पर होगा मुकदमा। अब देख सकते हैं आप, 280 अभ्यर्थी यानी कि 900 की वैकेंसी थी, एक तिहाई अभ्यर्थी अभी तक पकड़े जा चुके हैं और अभी यह आंकड़ा आने वाले समय में आगे बढ़ेगा क्योंकि एसटीएफ की जो विवेचना है, जांच है, वो कंटिन्यू है अभी। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी काली भर्ती में इसको बोलूँगा, कितने बड़े लेवल पर यहाँ पे मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अहित हुआ है। इसमें उनके अधिकार को यहाँ पे छीना गया माफियाओं के द्वारा, कुछ सफ़ेदपोशों के द्वारा, और उसके अलावा जो पैसे देने वाले बच्चे हैं वो भी इसमें उतने ही भागीदार हैं जितने हमारे में बोलता हूँ जो नकल माफिया है या सफ़ेदपोश लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। पैसे देने वाला बच्चा भी उतना ज़्यादा दोषी है इसमें, ठीक है। उसने भी कहीं ना कहीं किसी मेहनत करने वाले बच्चे के अधिकार को छीना है और उसकी जो जॉब लग सकती थी उसका टाइम और उसकी मेहनत को ख़राब किया है, तो वो भी दोषी है, उसको भी पूरी की पूरी सज़ा यहाँ पे मिलनी चाहिए। और जितने भी ये नकल अभ्यर्थी है कम से कम 10 साल के लिए, मैं तो बोलूँगा कम से कम आयोग को 10 साल के लिए डिबेट करना चाहिए इनको आने वाले एग्जाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है दोस्तों। आज एक दूसरे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, जो आयोग के नए सचिव बनाए गए हैं रावत जी। रावत जी बोले कि आने वाले समय में, तय समय में ही आपकी परीक्षाएं भी होंगी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और साथ ही आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसको सुधारना प्राथमिकता रहेगी, ऐसा बोला गया उनके द्वारा। तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, एसटीएफ बोल रहा है कि 280 अभ्यर्थियों को यहाँ पे पकड़ा जा चुका है, तो 280 अभ्यर्थी चिन्हित हो चुके हैं देखिए, यानी कि एक तिहाई पूरा, यार बोल सकते हैं कि बाप रे। अभी इसमें तो और ज़्यादा मेरे को लगता है कि नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हुआ वही है जो मैं पहले आपसे बोला था। इसमें एसटीएफ भी ये बोल ली है कि 200 के आसपास युवाओं ने तो सीधे सीधे पेपर खरीदा, यानी कि 200 लोगों ने 15 लाख रुपए देकर पेपर लिया, बट उसके बाद कुछ युवाओं ने क्या किया, 30-35 प्रश्न अपने संबंधियों को बताए। अब यहाँ पर 30-35 की बात, तो ये एक ओपन मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और एसटीएफ यहाँ पर पूरी जानकारी साझा तो नहीं करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है, मैंने अगर पेपर लिया है तो मैं अपने भाई को या मेरे जो भी रिलेटिव हैं उनको कम से कम मैं 35 प्रश्न बताऊंगा या जितने मुझे प्राप्त हैं उतने बताऊंगा, है ना। और हो सकता है इसमें मेरा या उस आदमी का लालच भी इन्वॉल्व रहा हो, उसने वहाँ से भी डिमांड की हो, तो ऐसे कनेक्शन बनते बनते पेपर ज़्यादा सर्कुलेट हो गया है। अन्यथा पूर्व भर्तियों में भी ऐसा होते आ रहा है, अगर उत्तराखंड की हर भर्ती की जाँच होगी तो कहीं ना कहीं ये साक्ष्य प्राप्त होंगे कि कम से कम टोटल वैकेंसी का 10-15% यहाँ पर सीट्स हमेशा सोल्ड आउट होती हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नंबर होने की वजह से इस बार इसमें लालच बोलते हैं ना, बुरी बला होती है, तो इसी वजह से सर्कुलेट ज़्यादा हुआ पेपर, और फाइनली ऐसे ऐसे लोग भी इसकी गिरफ्त में आए जिन्होंने ज़िंदगी में किताबें नहीं खोली थी, और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई और आपके सामने यहाँ पे सभी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं आगे आने वाले समय में भी बोलूँगा, कभी भी ऐसे दलालों के संपर्क में ना आए, और आपके आसपास कोई भी बिना पढ़ाई करने वाला अगर कोई भर्ती होता है, कोई भी बिना पढ़े हुए आपको लगता है कि आपको शंका है उस पर, तो आजकल उत्तराखंड के डिजिटल मीडिया चैनल हैं, आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, डिजिटल चैनल को हम फॉरवर्ड कर देंगे, और कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं अब आने वाले समय में। ये प्रतिज्ञा आपको लेनी चाहिए, इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने 75वां, इस बार हमने भी ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए, और यहाँ पर अभी सभी लोगों की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है जितने भी इसमें शामिल हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है भाई हमारे इनके कुदृष्टि से, इनके कुचक्र से बचे रहें, और उसमें फेयर सेलेक्शन हो, फेयर मेरिट जाए जैसे पहले जाती थी। बाकी देखिए, निजी कंपनी के संचालक ने एसटीएफ ने पूछताछ की, तो जहाँ से पेपर छपता था वहाँ का एक कर्मचारी पकड़ा गया। और देखिए ना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, इत्तेफाक कहेंगे या प्लान बोलेंगे, जो फुटेज थी पैकिंग की पेपर की वो गायब है। सीसीटीवी की जो फुटेज होती है पेपर प्रिंटिंग की और पेपर पैकेजिंग की और जो उसमें लोडिंग हुई होगी गाड़ी में, वो फुटेज वहाँ से गायब है। यानी कि हो सकता है इसमें बहुत बड़े लेवल पर लोगों का हाथ रहा हो, अगर तुमने फुटेज गायब किया है तो उसमें और भी इन्वॉल्वमेंट है, वो साफ पता चल रहा है। बाकी मामले में एक विधायक के नाम की भी चर्चा है, लेकिन एसटीएफ ने अभी पुष्टि नहीं की है इसकी। हालांकि हो सकता है सफ़ेदपोश लोगों के बिना हाकम सिंह जैसे लोग इतना बड़े स्तर पे इतना बड़ा स्कैम कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि यार उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है, उनकी एक लेवल बोलते हैं, जो आप एजुकेशन लेवल पर आके बड़ी भर्ती को सेंध मार जा रहे हो, आपको ये चीज़ें कैसे पता होंगी, पेपर कहाँ से छपता है, कैसा कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों के लिए कोई ना कोई एक एजुकेटेड आदमी और एक सफ़ेदपोश बड़ा आदमी बोल सकता है, वो कहीं ना कहीं हाकम सिंह के साथ रहा होगा, अन्यथा हाकम सिंह जैसे चोर चौकर की बस की बात नहीं कि इस तरह के कृत्यों को करें, ठीक है।
बाकी मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, ऐसे मामलों से आपको बचना है। आपके आसपास कोई भी अगर आपसे पैसे की मांग करता है और पैसे देके भर्ती कराने की बात करते हैं, तो इसकी भी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन या अन्य माध्यमों से आप ज़रूर साझा करें, ठीक है, ताकि भविष्य में आपके साथ इस तरह की कोई भी चीज़ें ना हो। बाकी देखिए, अभी तो अब कुछ हमारे भाई लोग हैं, कुछ हमारे यहाँ पे सोशल कार्यकर्ता है, वो बोल रहे कि पुरानी जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो साफ बोलती है, हमारे युवा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, तो वीडियो वीपीडियो वाला जो प्रकरण है ये कंप्लीट, पूरा इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मामला पूरा साफ होना चाहिए और कोई भी इसमें आरोपी नहीं बचना चाहिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और यही निवेदन है आपसे। बाकी पुरानी भर्तियों में भी अगर ऐसा रहता है, क्योंकि मेरे को लगता है जो न्यायालय वाली भर्ती हुई थी अधीनस्थ न्यायालयों में क्लरिकल वाली, उसमें भी देखिए काफ़ी क्लर्क पकड़े गए हैं इस भर्ती में, तो उनकी भी जांच इसमें अब तो बनती है। और बाकी ये भर्ती घपले के आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई, देखिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट को कम से कम इनकी जितनी भी संपत्ति है और इसके अलावा इनको कम से कम सस्पेंड करना चाहिए जो वर्किंग पकड़े गए इसमें, और साथ ही सजा भी होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। और बाकी जो अभ्यर्थी पकड़े गए कम से कम 10 साल, मैं तो बोलूँगा आयोग तो 5 ही साल के लिए करता है, लेकिन 5 नहीं, कम से कम 10 साल के लिए लोग बैन होने चाहिए जिन्होंने भी इसमें नकल प्रकरण का सहारा लिया। ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं उत्तराखंड के किसी भी सेवा में। आप लोग गलत काम कर रहे हो, आप लोगों को सजा अगर न्यायालय देता है तो अच्छी बात है, नहीं भी देता है तो आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे जहाँ पर आपने कई लोगों का भविष्य स्पॉइल किया है। 10 साल के लिए बैन होने चाहिए और जल्दी से जल्दी आयोग को एक नया नकल निवारण जो कानून है उसको भी लाना चाहिए। सरकार को भी इसमें स्पष्टता करनी चाहिए और त्वरित काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में नकल बिल्कुल ना हो। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। बाकी यहाँ पर आप देखें एग्ज़ाम की जो कैलेंडर है वो जल्दी ही जारी होगा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई ना करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का अगर कैलेंडर आएगा फिर आप नर्वस हो जाएंगे, इसलिए कंटिन्यूटी बना के रखें। एग्ज़ाम कैलेंडर जल्दी आ सकता है, नए सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है, नई जो हमारी एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं वो वहाँ पर आ चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अपने कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं, वो तो बहुत अच्छे से काम होने वाला है आने वाले समय में। ये माफिया पकड़े जाएंगे तो जो फेयर सेलेक्शन था उत्तराखंड में, मेहनती छात्रों का चयन होता था, वो फिर से बहाल हो जाएगा। और ऐसे ही उत्तराखंड की संकल्पना हमने की थी और ऐसे नकल माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा हो और इनका पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। 100 चयनितों समेत 150 से अधिक लोगों से एसटी ने पूछताछ कर ली है, ठीक है, 18 लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हैं। और इसका सबसे बड़ा जो सरगना है उत्तरकाशी का, देखिए कल बहुत से मीम्स देख रहा था मैं, किसी ने तो उत्तरकाशी में एक मंदिर भी बना दिया था, हाकम सिंह मंदिर। इस मंदिर में 15 लाख चढ़ाने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब कहीं से भी देखिए, अब कितना ज़्यादा ट्रोल एक आदमी हो जाता है। देखिए अभी तक तो हाकम सिंह इतने ज़्यादा एक ऐसी इमेज बना के चल रहा था, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, लग्जरी रिजॉर्ट, बंगला, लेकिन एक होती है ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आदमी की, एक सोशल रिस्पेक्ट होती है। अब शायद ही कभी वो आने वाले समय में कोई इस पर ट्रस्ट करेगा। आने वाले समय में जैसे वो चुनाव जीता अभी जिला पंचायत सदस्य का, हो सकता है वो आने वाले समय में कभी ऐसा कर पाए। तो इस तरह के जो माफिया इनको पकड़वाना बहुत आवश्यक है। और जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है और जनता, देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है जनता के द्वारा जनता के लिए है, तो जनता को आगे आना चाहिए दोस्तों। हमें अपनी पावर्स का पता होना चाहिए, अन्यथा ये हाकम सिंह जैसे चोर उचक्के आके हमारे हक को ऐसे मार जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा सजग रहें, सचेत रहें, ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों की सूचना मिलने पर अपने नज़दीकी थाने में या किसी मीडिया को ज़रूर सूचित करें, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो बनाने का एक ही कारण है, मोटिवेशन ज़रूरी है। आप लोगों को बोलना चाहूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, कैलेंडर जल्दी ही जारी हो सकता है, नई वैकेंसी आर ओ की आने वाली है, अगस्त लास्ट में आ जाएगी आर ओ की वैकेंसी UK PCS वाली। और इसके साथ साथ UK SSS की तो वैकेंसी नहीं, लेकिन कैलेंडर आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले मेहनत करना शुरू करते हैं भैया, आपका एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। बाकी दोस्तों आपका इस मामले पे क्या बोलना है, अपने फीडबैक ज़रूर देना, आपके फीडबैक बहुत आवश्यक है। हर वीडियो में आपके फीडबैक की वजह से हम आने वाले समय में आपके साथ कम्युनिकेशन साझा करते हैं, आपके विचारों के आधार पर हम भी अपने विचार यहाँ पर रखते हैं, तो आपका फीडबैक आवश्यक है। बाकी अच्छे से स्टडी करें दोस्तों, और भ्रमित करने वाले लोगों को और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम के रण में हैं तो सिलेक्शन ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।